بسم الله الرحمن الرحيم बोली वाला बरगाती मैं अनबोलिया मेहरबानी कम अदालत कम ना पानी दे। शान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पानी पिलाना सबसे बेहतरीन सदका है। मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती फाउंडेशन सहराए चोलिस्तान में जब से कहा सालिक आलम हुआ है, मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पर पानी पहुंचाने का अमल जारी है। इससे सैकड़ों प्यासे मवेशी और इंसान फायदा उठा रहे हैं। पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, 4 सेंटीग्रेड के करीब यहाँ इस वक्त गर्मी होगी। ये इंसान यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, ये जानवर बेचारे और ये लोग पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये इनकी हिम्मत है। दोपहर के तकरीबन 2 का टाइम है, तप तपाती गर्मी में अब्दुल्ला दरख्वास्ती फाउंडेशन की तरफ से टैंकर पहुंचाया गया है। आज 6 तारीख है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। देखिए सारा पानी की तरफ, जैसे ही पानी आया है हम लोग आए हैं पानी लेके, तो ये सारा पानी की खुशबू से माल सारा भाग गया है पानी की तरफ। इतनी दीन की तालीम कोनी, कोई मदरसा कोनी, कोई मौलवी कोनी जो कुरान पाक पढ़ावे, कोई जनाजा नमाज पढ़ावे। वो बंदा जनाजा नमाज पढ़ूंगा कहीं इतनी फौतगी थी वे, बाल फौत थी वे, वड्डा फौत थी वे, तो कहीं रेंजर रे को कहूँ भाई तुसा असा को मेहरबानी जनाजा नमाज साडा करो। दीन असलू असा इतने दीन तो सा पीछे थे कि असा को पूरा कलमा पहला ही नहीं आंदा। सहराए चोलिस्तान में काम करने से ये महसूस किया गया कि जहां इन लोगों को पानी और चारे की ज़रूरत है, वहां इन्हें तालीम की भी अशद ज़रूरत है। लिहाजा मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती फाउंडेशन ने यह इरादा किया है कि चोलिस्तान के अंदर तालीम के मकातब कायम किए जाएं, जहां मसाजिद नहीं हैं वहां मसाजिद बनाई जाएँ, उनमें मुस्तकिल असाज़ा और इमाम रखे जाएँ जिनकी तनख्वाह वगैरह के अखराजात फाउंडेशन के ज़िम्मा हों, और उन मकातिब के साथ पानी के मुस्तकिल बोर किए जाएं जो सोलर सिस्टम के साथ चलाए जाएं, जहां पर पानी कड़वा हो वहां आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, जानवरों के साए और चारे के लिए वहां पर दरख्त भी लगाए जाएं जिसके साए से इंसान और मवेशी दोनों को फ़ायदा होगा। आए और इस नोबल काज में हमारा साथ दें।